बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे में मैं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर लियाकतूर साहब, शमसा अली पीटीआई से हैं, और रिहान अजहर साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और निसार चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA हैं। वेलकम टू द शमसा अली, पीटीआई की MP हैं। चोर तो पकड़ा गया जी, चोर तो हम ढूंढ रहे थे कि कौन है, तो अगर गवर्नमेंट ही बेच रही है महंगी सस्ती लेके, तो फिर पकड़ा गया चोर। बहुत शुक्रिया इकबाल शाह साहब जी, ब्रिगेडियर साहब ने जो बताया, ये हमें भी यही मालूम था कि 1400 के हिसाब से ली है, और अभी आपने बताया कि 800 ज्यादा के हिसाब से फूड डिपार्टमेंट बेच रही है। तो हम तो खैर शुरू से समझते हैं, और हमारी जो पार्टी भी समझती है कि जो एग्रीकल्चर है वही पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जब तक वो बैकबोन है पाकिस्तान का, जब तक हम एग्रीकल्चरिस्ट को, और खास तौर पे जो छोटे हमारे एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनको हम जब तक स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, उनको हम फायदा नहीं पहुंचाएंगे। हमारा जो फूड सेक्टर है, हम भी लोगों के साथ हैं, लेकिन जिम्मेदारों की भी अगर हम थोड़ी सी बात करें, यकीनन 1400 रुपए बैग जो है वो कम कीमत थी जी, मैं यही कह रही हूँ, बचता कुछ नहीं था जी। देखिए ना, उन्होंने अगर किया, जैसे ये कह रहे ब्रिगेडियर साहब, इन्होंने तावन किया, और ये अगर है कि 800 रुपया गवर्नमेंट ने खुद ही मतलब बढ़ा के, तो वो गवर्नमेंट की तरफ गया, जो मैं ही समझती हूँ कि बिल्कुल अगर ये ऐसी बात है तो जरूर आपको, आई एम श्योर कि अगर आप ये इसको जाके गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट के साथ करेंगे, या आप लीगल रेमेडी लेंगे, तो आपको लेनी चाहिए, ताकि वो जो भी देखे ना, हर जो पॉलिसी होती है वो ऊपर तक तो किसी को पता नहीं होता ना, वो तो आपकी डिपार्टमेंट कर रही है, तो उस डिपार्टमेंट ने अगर इस तरह से किया तो बिल्कुल जरूर होना। नहीं, पंजाब गवर्नमेंट में फूड डिपार्टमेंट मौजूद है जी, बिल्कुल, उसको हेड कर रहे हैं वजीर आला पंजाब, नीचे डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर। तो अगर इतना ही आदमी इस जो जरूरियात जिंदगी में सबसे टॉप पर गंदम और आटा है, अगर वो किसी वजीर आला को, वजीर खुराक को नहीं पता, तो फिर उसको उसको होश में आना चाहिए, बेहोश है। बिल्कुल नहीं, मैंने ये कहा ना कि मैंने ये पहली दफा ये जो आपने ये बात की है, ये मेरे उसमें आया, मैं जरूर हम इसको उठाएंगे, लेके जाना चाहिए भी, बिल्कुल ऐसी बात है। यह है कि हुक्मरान अगर सो जाए, नहीं नहीं, हम इंशाल्लाह ये जो सीएम साहब के साथ उनके साथ इसको डिस्कस भी करेंगे, रोटी तो गरीब की बेसिक जरूरत है, उस पर फोकस रखें। अब हम पैनल की शमसा बात करें, ब्रिगेडियर साहब अपना डॉक्टर निसार साहब बात कर रहे हैं, लाइन पर है, ये पीटीआई की MP है हमारे साथ, हमारी बहन शमसा अली जी। शमसा जी जी, शुक्रिया। मैं जी ये बताना चाह रही हूँ अपने MNA साहब को कि बिल्कुल ये सही कहते हैं कि जितने भी डिक्टेटर हैं वो बिल्कुल उन्होंने बहुत मुल्क के साथ ज्यादती की, और नहीं होनी चाहिए थी, और बिल्कुल ये जो अपना किसी किस्म का भी जो अब इस वक्त वो बने हुए हैं, अपना नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े अपने आप को पता नहीं, वो नेल्सन, कभी वो नेल्सन मंडेला बन जाते हैं, कभी वो इमाम खोमैनी बन जाते हैं, कभी वो अपने, उनको खिताब अपने लेने का बहुत शौक है। बात यह है कि मैं कहती हूँ कि बिल्कुल हम समझते हैं कि जो जो बंदा ये कहता है कि जी ये बहुत ज्यादती है, और ये जो इदारा है इसने बहुत ज्यादतियां की हैं, तो उनको जिन लोगों ने उस वक्त के डिक्टेटर्स के साथ तावुन किया, चाहे वो अयूब खान साहब हो, चाहे जियाउल हक साहब हो, उन लोगों को भी उतने मुर्दे इल्जाम हो कि अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेना चाहिए सियासत से, उनका कोई काम ही नहीं, क्योंकि उन्होंने उनके मजबूत किया उन लोगों को, ये जितने भी थे अपना, चाहे वो जुडिशरी के हों, चाहे हमारे सियासतदान जो उसी उनके ही नर्सरी में पले, उनको सबसे पहले अपने आप को खुद एक तरफ करें। मैं समझती हूँ कि वो वाकई समझता है कि हम बहुत बड़े, और एक से एक अच्छा इसमें मुस्लिम लीग में बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, उनको बनाएं लीडर, उनको आगे लेके आए, अपने को और अपने फैमिली को एक तरफ करें कि हमने बहुत ज्यादती की, हमने उस वक्त तावन किया जियाउल हक साहब के साथ, और हम बिल्कुल हमने गलत काम किया, उन्होंने भी गलत किया, हमने उससे बड़ी गलती की, क्योंकि हम तो बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा, और आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। ग्रेड 4 क्या उनके घर से सेरो सोने निकल रहे हैं, और पैसे निकल रहे हैं, और क्या क्या निकल रहा है, तो आप जैसे बात कर रहे हैं कि जो नीचे की अदालतें हैं, जो जिनको इसका ध्यान रखना चाहिए, या जो मजिस्ट्रेसी निजाम है, वो बिल्कुल उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। होता यही है ना कि जब ये बेचारे आते हैं ग्रोअर, जो भी हमारे वेजिटेबल के या फ्रूट के, तो वहाँ पे बड़े बड़े जो माफिया अमीर लोग हैं वो खड़े होते हैं, वो बेचारे इतनी मेहनत करके आए होते हैं, वो कहते हैं ये हमें दे दो, और थोड़े से प्रॉफिट में उनको बेच देते हैं, और ज्यादा उनका सारा माल खरीद लेते हैं। ये चाहते हैं, बात में आ गए, जाहिर एक दिल वाले बंदे हैं,
इनको मैं याद करा दूं कि चीनी जो है जब उसके खिलाफ इंक्वायरी कमीशन आया तो इंक्वायरी कमीशन की केस लग गया इस्लामाबाद हाईकोर्ट में और वो सुना गया और स्टे हुआ। फिर वो जब उन्होंने बेज बचा ली तो फिर वो स्टे खारिज हुआ, तो फिर उन्होंने पता चला कि ये तो गलती हुई है, सिंध हाईकोर्ट ने दे दिया सुप्रीम, वो स्टे दर स्टे बार। इनको अगर असेंबली में दर गवर्नमेंट तो आपकी है, किसी का भी एमपी हो, अगर इनके साथ ज्यादती होती है आप प्रोटेक्शन नहीं देते, करारदाद इनको देनी नहीं, 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 क्या ये इस वक्त आप देखें कि बकायदा ये प्रोसीडिंग चल रही है स्पीकर साहब के पास, हम सब ने भी कहा है और हम लोगों ने उन्होंने कहा ये तो मैं जिम्मेदारी असेंबली के अंदर नहीं हुआ दूसरे कमरे में हुआ। नहीं लेकिन ये अभी भी चल रहा मामला, आज मैं अपना राजा बिशाल साहब से भी बात हुई थी, बिल्कुल ये चल रहा है, इसका कोई ना कोई इसको हर सूरत इसका नोटिस भी लिया जा रहा है और लिया जाएगा। नोटिस खुदा का नाम है, नोटिस छोड़ देंगे, सेड बन गया लोगों की। नहीं नहीं नहीं, जिस देखे ये अभी आप देखे ना कहीं हम एक वो पहले मैंने आपका कोरोना वायरस की दुनिया सारी में इस वक्त महंगाई की आप बात देख लें, उनके बजट्स के जो हालात सब क्यों नहीं हो सकता जब आप हर इलाके से मुंतखब हैं, जहां मुंतखब नहीं है वहां स्पेशल सीटें मौजूद हैं, मतलब जाहिर सब जगह तो नहीं है। आप पाकिस्तान पंजाब में रूलिंग पार्टी में काफी एमपीज हैं और आप स्पेशल सीटें मिलाएं तो और ज्यादा बन जाते हैं, आप उस हलके को कवर कर सकते हैं। बिल्कुल, आप क्यों इंतजामिया के साथ मिलकर उनको मॉनिटर नहीं करते, उनको सुपरवाइज नहीं करते, उनको इंस्ट्रक्शन नहीं देते, क्या ये भी कोई पूछने वाली बात है? नहीं नहीं बिल्कुल, हमने अब यही मैंने आपको बताया ना कि ऊपर से जो आप कह रहे हैं टाइगर फोर्स के साथ हम जो ऊपर मॉनिटरिंग होगी वो एमपीएस की और साथ उसके अलावा जो मजिस्ट्रेसी निजाम है उसको मजबूत करके और जो हमने जो इस वक्त आइडेंटिफाई हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे ये लूप होल्स है और कोशिश हम करेंगे उनको, खासतौर पर ये जो वेजिटेबल्स और ये जो है ना अपना ये सब्जी और जो दूसरी महंगाई है फ्रूट वगैरह की, और फिर जो होर्डर्स है वो जहां तक इसका गंदम का ताल्लुक है और चीनी का जो माफिया उसको जिस तरह से हमने उसको कम से कम उसको हमने बेनिकाब किया है और इंशाल्लाह देखेंगे उसको आहिस्ता से हम जरूर काबू। अब देखें शायद अपना राय खाना का ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।